इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं निवेदक श्री दिगंबर जैन मंदिर कार्यकारिणी बलबीर नगर रजिस्टर्ड शाहदरा दिल्ली, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति बलबीर नगर शाहदरा दिल्ली, आयोजक सकल जैन समाज बलबीर नगर शाहदरा दिल्ली। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। दर्शकों, दिल्ली के शाहदरा स्थित बलबीर नगर के श्री दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज ससंग के सानिध्य में 7 से 12 मई 2023 तक श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित होकर भक्तों ने प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। कल हमने आपको तप कल्याणक की झलकियां दिखाई थी। आज हम आपको महोत्सव की चौथी कड़ी में 11 मई को आयोजित ज्ञान कल्याणक के पावन दृश्य का अवलोकन करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। दिल्ली के शाहदरा स्थित बलबीर नगर के श्री दिगंबर जैन मंदिर में 7 से 12 मई 2023 तक आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज ससंघ के सानिध्य में श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम्ब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महोत्सव की क्रियाएं मुख्य प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी जय कुमार जैन निशांत टीकमगढ़ द्वारा कराई गयी। प्रतिदिन की भांति 11 मई को प्रभु के केवल ज्ञान कल्याणक का शुभारंभ भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ की। ओम मिरिम श्रीम क्लीम ऐम अरहम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम द्वीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय नमो अरहति भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलिंजलिनावि सिंचये। ओम ह्रीम अनादि निधन मूल मंत्रेभ्य नमः सर्वविघ्न शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च गुरुग्रहो ओम नमरते भगवते प्रक्षिणाय सेजदोषकल्मषाय दिव्यते जो मूर्ते नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वक्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूं रौं रः असि औसनमा। ऋषभ अजित संभव जिन स्वामी अभिनंदन जी जग में नामी रमत नाथ भगवान उतारे हम आरतिया। रमत नाथ भगवान उतारे हम आरतिया। तदुपरांत भक्तों ने प्रभु का उत्साह और उमंग के साथ पूजन विधान किया। कितनी गोद कितना की कितनी अंच अज्ञान आज धन मानुष भयो पायो जिन वरथान तुमको पूजे सुरपति यह पति नरपति देव नमो कारुमय मेरा जीवन बना दो। नमो कारुमय मेरा जीवन बना दो। नमो अरिहंतम नमो सिद्धानम नमो आयरियाडम नमो उपज्ञायाडम नमो योए सब सहूरम नमो योए सब सहूरम। इस अवसर पर बलबीर नगर के भक्त उत्साहित होकर झूम झूम कर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। दादी दादी रे नगर महावीरा नाम की अरे मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की ओ मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की श्री संभवा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मा प्रभु श्री सुपा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंदा प्रभु श्री पुष्प दंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री श्यान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूजन श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनता जिनागम जिंचत जिंचत लुचोदरा कुमरासन विद्यम निर्वपामी दी। इतना ही नहीं, बलबीर नगर के भक्तों ने आनंदित होकर विधान के प्रत्येक मंत्र के साथ क्रमानुसार अर्घ्य समर्पित किए। तदुपरांत उपस्थित अतिथियों ने भगवंतों एवं आचार्यों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया।
इस अवसर पर अतिथियों का महोत्सव कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत उपस्थित पुण्यशाली भक्तों को आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की कल्याणकारी वाणी का रसा स्वादन करने का अवसर प्राप्त हुआ। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आज उपांत दिवस है। मोक्ष कल्याणक के समीप हैं। ज्ञान कल्याणक, जिस ज्ञान को प्राप्त करके उस चेतना में लोक और अलोक के सभी द्रव्य एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं। प्रत्येक द्रव्य के सभी गुण और पर्याय भी। इसके बाद महामुनिराज आदि सागर जी की आहारचर्या हेतु पटगाहन की मांगलिक क्रियाएं की गईं। हे स्वामी माला लीजिए, चांदी लीजिए। पटगाहन की क्रियाएं होने के बाद भक्तों ने क्रमानुसार महामुनिराज को प्रथम आहार दान कर स्वयं को धन्य किया। चुरस का किया पारिना, चुरस का किया पारिना, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इच्छुरस का किया पारिना, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। तदुपरांत आचार्य श्री के सानिध्य में भक्तों ने मंदिर जी की वेदी पर प्रभु की प्रतिमा को विराजमान किया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित समस्त महानुभावों का महोत्सव समिति द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान उपस्थित भक्तों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। संदान और मानवता से ओतप्रोत ये मंच, ये कर्म का है, ज्ञान का है, योग का है, जागृत से सूक्ष्म अवस्था तक जाने का एक मार्ग है, जहां मोक्ष को पाना आपकी अंतिम अवधारणा है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। तदुपरांत प्रभु का दिव्य और भव्य संवशरण लगता है, जिसका सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा पर्दा खोलकर उद्घाटन किया गया। संवशरण के मध्य चतुर्मुखी तीर्थंकर प्रभु शोभित हो रहे थे, तो वहीं प्रभु के गणधर के रूप में आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ससंग विराजमान थे। इसके बाद उपस्थित विशाल जनसमूह को संवशरण के मध्य विराजमान आचार्य श्री के मुख से दिव्य देशना श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। सर्वज्ञ भगवंतों की दिव्य ध्वनि का सार एक है। संसार में दो प्रकार के द्रव्य हैं, एक जीव द्रव्य, दूसरा अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य वह कहलाता है जिसमें चेतना पाई जाती है। उस जीव द्रव्य के दो भेद हैं, एक संसारी, दूसरा मुक्त। संसारी जीव वह कहलाता है जो कर्मों से बंधा हुआ है, संसार में परिभ्रमण कर रहा है, जन्म जरा मृत्यु की आवर्त करता हुआ
पुनः पुनः स्वयं के द्वारा अर्जित बांधे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए विवश है। प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने के बाद भक्तों ने अपने मन में उठने वाली जिज्ञासाओं का आचार्य श्री से समाधान प्राप्त किया। श्रावक जीवन में किसी भी प्रकार से राग की हानि संभव नहीं है। श्रावक का जीवन राग द्वेष से भरा हुआ होता है, मोह से सना हुआ होता है, इसलिए वह श्रावक कुराग को, विषयों के राग को, पापानुराग को, कषाय के राग का परित्याग करता है और धर्मानुराग से चित्त को जोड़ता है। यही धर्मानुराग पुण्य को देता है और यही पुण्य पाप के कांटे को निकालने में समर्थ होता है। तत्पश्चात भक्तों ने प्रतिदिन की भांति केवल ज्ञान कल्याणक के अवसर पर भी संध्याकालीन बेला में मंगल आरती की। ओ प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे, जला दीपक घनेरे तेरी आरती करें। मंगल आरती के उपरांत उपस्थित दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी का स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद मंत्री जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रभु महावीर स्वामी का गुणानुवाद कर जैन समाज की सराहना की। जितने समाज के हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग नौजवान दोस्त और प्यारे बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सबको सादर प्रणाम करना चाहता हूँ कि आपके जिस तरह से लगन है, जिस तरह से चिंता है, और मैंने कुछ दिन पहले यहाँ तो हम सब लोग पांडाल में कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं, कुछ दिन पहले जब संवेद शिखर का प्रश्न उठा था इस देश के अंदर, जिस तरह से सभी बहनों ने, भाइयों ने मिल करके और आवाज उठाई और वो सब मिल करके पूरे देश ने आवाज उठाई और वो जीत हासिल हुई, मैं खास तौर से जो इस पूरे कार्यक्रम की आयोजन समिति है, जो समाज के सभी पदाधिकारी हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी क्रम में महोत्सव कमेटी द्वारा आभार प्रदर्शन भी किया गया। तो मैं अपनी ओर से और अपनी समाज की ओर से जो है अपने विधायक जितेंद्र महाजन जी और मंत्री गोपाल राय जी का, अपने पार्षद प्रियंका सक्सेना जी का, चंद्र प्रकाश शर्मा जी का, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी पार्टी से ऊपर उठ करके हमारी समाज के लिए जो भी सहयोग हमने मांगा हर समय उन्होंने दिया। सफाई का इशू हो, पार्क का अलॉटमेंट का इशू हो, कोई भी इशू हो, हर समय जो है वो समाज के साथ खड़े रहे, इसके लिए समाज उनका आभारी है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरी समाज के। तदुपरांत उपस्थित भक्तों को विद्वत जनों के द्वारा शास्त्र स्वाध्याय कराया गया। हमें मंदिर जाने की आवश्यकता क्यों है, क्यों करना चाहिए देव दर्शन? तो सिद्धांत ग्रंथों में लिखा है कि सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के लिए देव दर्शन आवश्यक है। हमें अगर उद्देश्य ही पता नहीं है तो हमारा देव दर्शन करना सार्थक नहीं होता। तो हमें भगवान का दर्शन करके और सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उद्देश्य लेकर के मंदिर जाते हैं। अब जब वहां पहुंचे तो हमने देखा क्या, जब अर्जुन से कहा गया तुम्हें लक्ष्य भेद करना है, उनके गुरु ने पूछा क्या दिख रहा, तो किसी ने कहा डाली पत्ते, किसी कुछ कुछ कह दिया, अर्जुन ने कहा नहीं सिर्फ लक्ष्य दिख रहा। तो हम देव दर्शन करने जाएं तो कहां लक्ष्य होना चाहिए? आप कहेंगे पंडित जी हम तो भगवान को देखते हैं। आप भगवान को देखते हैं तो क्या देखते हो? नाक देखते हो, आंख देखते हो, कान देखते हो, गला देखते हो, क्या देखते हो भैया? हाथ देखते हो, पैर देखते हो, क्या देखते हो? विचार करना पड़ेगा।
आचार्य कहते हैं जब जब हम देव दर्शन करते हैं तो भगवान की बीतराग मुद्रा को देखते हैं। हम बीतरागता के उपासक हैं, इसलिए बीतरागता को देखते हैं। इसके उपरांत रंजना नैब सहारनपुर द्वारा मनमोहक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन किया गया। मैं बनूंगा भरत चक्रवर्ती। देखो देखो कैसे मेरे सामने युद्ध के लिए आ गया। भ्राता श्री, प्रणाम भ्राता श्री। डर गया ना, डर गया ना, डर गया ना, पहले ही झुककर प्रणाम कर रहा। महाराज चर्चा करने का समय नहीं है, अब आप अति शीघ्र युद्ध के लिए तैयार रहिए। मंत्रीवर, मंत्रीवर मेरे मन में एक विचार आया। अब क्या विचार आ गया? यही बात तुम्हें समझाने अयोध्या में बोधनपुर की ओर आया था कि राजनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। ठीक है मंत्रीवर, मेरे मन में एक विचार यह आया, यह युद्ध ना हो। क्या मंत्रीवर तुमने भी हार मान ली? अभी तो युद्ध का बिगुल भी नहीं बजा। सांस्कृतिक प्रस्तुति के उपरांत ज्ञान कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा कि मैं जैसे बचपन में अपने बाहुबली को गोद में खिला रहा हूँ। महाराज आप बचपन में चले गए और युद्ध हार गए। नहीं, 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 नहीं। अभी दो युद्ध शेष है। ठीक है महाराज, शुरू करो। द्वितीय युद्ध, जल युद्ध, जल युद्ध, जल युद्ध प्रारंभ हो। दर्शकों, दिल्ली के बलबीर नगर में आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तों ने धूमधाम से प्रभु का उत्सव मनाया। आज हमने आपको 11 मई को हुए ज्ञान कल्याणक के पावन दृश्यों का अवलोकन कराया। कल हम आपको महोत्सव की पांचवीं व अंतिम कड़ी में मोक्ष कल्याणक के पावन दृश्य दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री दिगंबर जैन मंदिर कार्यकारिणी बलबीर नगर रजिस्टर्ड शाहदरा दिल्ली, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति बलबीर नगर शाहदरा दिल्ली, आयोजक सकल जैन समाज बलबीर नगर शाहदरा दिल्ली।